नमस्कार, जानते हैं फिक्सेशन फोरम में 2 साल का रिजल्ट एंट्री कैसे करें और कौन से ईयर का करना है। फिक्सेशन फोरम की कंप्लीट वीडियो हमने बना दी है और आपने देख ली होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देख लीजिएगा। कोई भी समस्या आपको फिक्सेशन फोरम से संबंधित आती है तो आप SMS कीजिएगा, तुरंत समाधान किया जाएगा। ज्वाइनिंग डेट है, रिस्पल वाले हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले आपको रिजल्ट है 2 ईयर का डालना है, 2018-19 और 19-20। तो 18-19 में देखो, इसमें सिर्फ बोर्ड क्लासों का ही रिजल्ट अपडेट किया जाता है। नोट लिखा है 14 नंबर बिंदु के जस्ट नीचे, कक्षा 5 एवं 8 के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि। जो प्राइमरी टीचर हैं उन्हें 1 से 5 तक का रिजल्ट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ 5वीं कक्षा का रिजल्ट डालना है बोर्ड क्लास का। और उसमें भी देखिए यहाँ स्तर आ जाएगा, पहले मैं आपको 18-19 और कक्षा, यहाँ आपके पास 5वीं आ जाएगी, और विषय जो आप इनमें से एक पढ़ाते हैं जो भी है। और अब देखिए छात्र संख्या, मान लीजिए 17-2018-19 में कुल आपके पास 20 छात्र थे, तो यहाँ 20 आप लिख देंगे। अब बात करते हैं परीक्षा परिणाम की, तो परीक्षा परिणाम कैसे देना है। ऊपर ए, बी और सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। ए, बी, सी ग्रेड वालों का ही भरना है, जिनकी डी ग्रेड आई थी उनको निकाल देना है। मान लो 20 में से 15 बच्चों की ए, बी और सी ग्रेड है, तो यहाँ परसेंट हम 75% भरेंगे, डी ग्रेड वालों को हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये तो रहा आपका 2018-19 का परिणाम, जो आपको जो रिश्वल वाले हैं उसको पहले वाले स्कूल से लेना होगा, और जिनका रिश्वल हुआ है और जिला परिवर्तन नहीं हुआ है उनके दोनों स्कूल वही हो जाएंगे। और अब बात करते हैं 2019-20 की। 2019-20 में क्योंकि सभी बच्चे कर्मोन्नत हो गए थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे 2019-20 में भी आपके पास 10 बच्चे हैं, नाम में आप लिखेंगे 100%, क्योंकि आपके सभी बच्चे कर्मोन्नत हो गए थे, सेव। इस प्रकार आप ए, बी, सी ग्रेड भरेंगे। इसके अलावा भी कोई आपको परेशानी आ रही है फिक्सेशन फोरम से संबंधित कोई भी, तो आप मुझे SMS कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी जैसे समस्या आएगी आपको समाधान मिलता जाएगा। धन्यवाद।